बागडोगरा एयरपोर्ट से निकल गए हैं, कुछ सस्ता जुगाड़ निकाला है, देखते हैं। भैया आपका नाम क्या है? संजू। संजू, तो इन्होंने थोड़ा सस्ता जुगाड़ बताया कि हम कैसे दार्जिलिंग पहुंच जाए। बाहर तो बहुत महंगा दे रहे थे, प्रीपेड टैक्सी है, शेयरिंग अलाउड नहीं है एयरपोर्ट से। बाकी की स्टोरी थोड़ी बताता हूँ बाद में, आई नो कि पूरा कवर नहीं कर पाया। एज यू माइट नो, बागडोगरा एयरपोर्ट एक्चुअली डिफेंस एयरपोर्ट है, तो कुछ फिल्म नहीं कर सकते, कुछ शूट नहीं कर सकते अंदर। आपको पर्सनल आ जाएंगे, आपको रोक देंगे तभी, एंड दे हैव फुल अथॉरिटी टू टेक यू अंडर देयर कस्टडी। तो मैंने कुछ नहीं करा ऐसा। दार्जिलिंग पहुंचना है हमें थोड़ी देर में, अभी बारिश का मौसम भी बना हुआ है। ये भैया मेरे को छोड़ रहे हैं, कहाँ पे छोड़ेंगे आप मेरे को? सर जहाँ पे एयरपोर्ट मोड़ हो रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ देगा, ऑटो में आपको 20 में किराया लगेगा, आपको सिर्फ जाने में दार्जिलिंग मोड़। और आप 50 लेंगे? हाँ 50, 70 रुपए। 50 भैया लेंगे, वो मेरे को वहाँ तक छोड़ेंगे, वहाँ से एक ऑटो लूंगा जो 20 रुपए लेगा, 70, और वो कहना उसके शेयर्ड सुमो है जो 130 रुपए लेगी। 130? हाँ। तो टोटल हम लोग दार्जिलिंग 200 रुपए में पहुंच जाएंगे, जो मेरे हिसाब से ठीक है। हो सकता है ऐसा सस्ता भी होता हो, मेरे को नहीं पता, मैं भैया का वर्ड ले रहा हूँ। अभी पहुँच के दिखाते हैं। नहीं सर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। नहीं सर, जो गवर्नमेंट फेयर पुलिस लोग बांट रहा है अभी, जो कल से चालू हुआ है, जो अच्छा। प्रीपेड टैक्सी का जो चार्ज चालू हुआ है कल से, पर पीस फोर पैसेंजर का 130 रुपीज करके, जो दार्जिलिंग तक का ड्रॉप वही ले रहे हैं सुमो वाला लोग। अगर अच्छा। आपको कोई कंप्लेन देना है, अगर कोई ज्यादा पैसा मांग रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हो प्रीपेड टैक्सी चार्ज से। आपको शेयरिंग टैक्सी चार्ज मिला है उन लोगों को, ठीक है। जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। पूरे टी फील्ड्स हैं, अभी श्रीलंका होकर है, वहाँ पे भी सारे टी फील्ड्स देखे, यहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। अभी तो भूटान की वादियाँ भी दिखानी है और दार्जिलिंग भी दिखाना है कल आपको। ये मेरा पहली बार है एक्चुअली वेस्ट बंगाल में, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। उड़ीसा का काफी बुरा हाल हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ द साइक्लोन, यहाँ पे भी काफी बारिश है। भूटान में भी जहाँ तक मैंने देखा था प्रोजेक्टेड काफी बारिश है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ से ऑटो लेंगे, आगे बने रहिए, दिखाते हैं। बस पे बैठे और ये दो जनाब मिले, आर्मी में है। थैंक यू, आप हमारी इतने महान कंट्री को सर्व करते हैं, हैट्स ऑफ। कोई भी आर्मी के फोर्सेस के लोग मिलते हैं, मेरे को बहुत ही प्राउड फीलिंग आती है फॉर आर कंट्री। एंड अभी जा रहे हैं, ये जनाब भी दार्जिलिंग से नीचे थोड़ा विजन बारी वो दार्जिलिंग से पहले डेढ़ घंटा का रास्ता है। अच्छा, चलिए पहुंचते हैं वहाँ पे, थोड़ा मने बजेंगे। अच्छा, उनका थोड़ा नीचे सूखे हो के जाना पड़ेगा। अच्छा, ये यहाँ पे उसने बस में, मैंने जब आपको दिखाया था, उसने यहाँ पे छोड़ दिया। बारिश भी शुरू हो गई है, मैं दार्जिलिंग के लिए एक शेयर कैब ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे यूजुअली सुमोज रन करती हैं, जो 130 से 150 रुपए लेती है, दार्जिलिंग छोड़ देगी, शहर में जाती है, वही देख रहा हूँ। भैया ये जगह का नाम क्या है? दार्जिलिंग मोड़। अच्छा, थैंक यू। तो ये दार्जिलिंग मोड़ है, ये एक छोटी सी टेम्पो ने यहाँ पे छोड़ दिया था, जैसे मैंने आपको दिखाया था। पहले एक प्राइवेट कार ली, उसने 50 रुपए लिए, उसने हाईवे की तरफ कहीं छोड़ दिया, फिर यहाँ से दार्जिलिंग मोड़ पे आए और यहीं से सारी कार्स दार्जिलिंग तक जाती हैं। तो यहाँ से मैं एक शेयर कैब लूँगा। बस भी मैंने पता करी, बस के कोई टाइमिंग्स इतने खास नहीं है और अभी बारिश भी होने वाली है, तो मैं शायद शेयर कैब ले लूँगा। बस करीबन 90 की है और शेयर कैब 150 की है, लेता हूँ। बारिश शुरू हो गई है, पहुँचते हैं दार्जिलिंग। 6 बज चुके हैं, मेरी फ़्लाइट 5 बजे लैंड हो गई थी, तो करीबन 2-3 घंटे तो मेरे को पहुंचने भी लगेंगे, दिखाता हूं जो भी होता है। बैठ गया हूं ये सुमो में, ये जनाब है। भैया आपका नाम क्या है? भोले। भोले, अच्छा, और आप भी दार्जिलिंग के ही हैं? दार्जिलिंग है। अच्छा, तो ये शेयर्ड सुमो है, अभी भैया पकड़ रहे हैं सवारी, अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को ही लेके जाएंगे। करीबन 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, तो अगर आप ऐसे आते तो आप भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे तो प्रीपेड टैक्सी, क्योंकि शेयर तो थी नहीं, तो इंडिविजुअल का वो 2.5 से 3 हज़ार रुपये मांग रहे थे, जो बहुत ज़्यादा है।
मैंने पूरा प्रोसीजर दिखा दिया, इससे पूरा मैं दार्जिलिंग पहुंच जाऊंगा 200 रुपए में, विच इज प्रिटी गुड मेरे हिसाब से। चलते हैं, अंधेरा भी शुरू हो गया, थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी। भैया का कहना है कि दार्जिलिंग थोड़ा सा ठंडा है सिलीगुड़ी से, जाके देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जर्नी एंजॉय करिए आप। चले हुए करीबन मेरे को 1 से 1.5 घंटा हो गया, हम आई थिंक मिड वे दार्जिलिंग रुके हैं। अभी यहाँ से करीबन 1 घंटा 1.25 घंटा और लगेगा। ड्राइवर अपना चाय ब्रेक के लिए रुके हैं और मैं भी थोड़ा चाय पी के आगे निकलूँगा। ठंडा होते जा रहा है जैसे ऊपर पहुँचे। यहाँ पे इस रेस्टोरेंट पे रुके हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, बिंदिया रेस्टोरेंट करके है, बीच में रुके हैं। चाय नाश्ता करेंगे, नाश्ता नहीं चाय डिनर। क्या दिमाग हो गया मेरा, सुबह से निकला हूँ, सुबह 10 बजे का निकला हूँ और अभी भी पहुँचे नहीं है दार्जिलिंग। ये थी सुमो जिसमें मैं जा रहा हूँ। ऐसे शेयर्ड सुमोज मिल जाती हैं दार्जिलिंग तक, गैंगटॉक तक। अभी आज तो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाए बिकॉज जब तक मैं पहुँचा हूँ अंधेरा हो चुका है। कल आपको पूरा दार्जिलिंग एक्सप्लोर करेंगे, सब दिखाएंगे। बहुत मन था मेरा ईस्ट घूमने का, ईस्ट तो इतना दिखा नहीं रहा, ज़्यादा भूटान ही दिखाऊँगा, बट दार्जिलिंग भी मैं कभी नहीं आया, तो देखते हैं, दिखाता हूँ। अपने हॉस्टल आ गया था और मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं यहाँ पे, करीबन 10 बज चुके हैं। मैं अभी आधे घंटे पहले ही आया अपने हॉस्टल, चेक इन कर चुका हूँ, पैसे भी पे कर चुका हूँ उनको। हाँ, अब पहुँचने में बहुत टाइम लग गया मेरे को, 2 से 3 घंटे लग गए मेरे को बागडोगरा से यहाँ पे पहुँचने में। 6 बजे मैं चला था सिलीगुड़ी बस स्टेशन से और मैं 10 बजे करीब, 9:30 के करीब पहुँचा हूँ। यहाँ पे जब से आया हूँ बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा वेदर है। ये काली और ऑरेंज जैकेट फिर से बाहर आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे वेदर करीबन 12 से 14 डिग्री है अभी। कल एक्सप्लोर करेंगे दार्जिलिंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, यहाँ के ओनर से भी शायद मिलवाऊँगा और व्यू कुछ ऐसा है हॉस्टल के वहाँ से। सुबह कहते हैं बहुत अच्छा व्यू होता है, अभी पूरी फॉग है, मैं जितना दिखा पा रहा हूँ उतना दिखा रहा हूँ अभी आप लोगों को। आई एम श्योर कि ये वाली सीरीज़ आप उतनी ही इन्जॉय करेंगे जितने आपने पिछली 2 सीरीज़ करी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इन्फॉर्मेशनल बनाऊं, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मोस्टली मैं टर्मिनल 1 पे व्लॉग नहीं कर पाया। बागडोगरा एयरपोर्ट इज़ अ डिफेंस एयरपोर्ट, जैसे मैंने मेंशन करा, वहाँ पे कुछ व्लॉग नहीं कर पाया एंड जब तक यहाँ पे पहुँचा इट वॉज ऑलरेडी डार्क। सो आज मैं इतना कुछ नहीं दिखा पाया बट आई स्टिल मेड श्योर कि मैं वहाँ से यहाँ तक की जर्नी अपनी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे। आपका देसी वैगाबॉन्ड बहुत जगह ट्रैवल करने वाला है और बहुत जगहें दिखाने वाला है। तो आज के लिए विदा लेता हूँ, कल दूसरी वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय।